हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, खैर मकदम आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 2015, 16, 17, 18, 19 करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स के, और ये 2014 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है जिस पे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं उस ग्रुप से जुड़ के। आप बहुत सारा वहाँ पे हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ए और बी सेट हो तो, अगर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अगर ए और बी सेट हो तो ए डेल्टा बी क्या होता है। ठीक है, ए डेल्टा बी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो ए डेल्टा बी क्या होता है आपको पता है, ए डेल्टा बी के बारे में बता दूं आपको, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस का बी, ठीक है, ब्रैकेट में यूनियन डी माइनस ए। ठीक है, ये होता है आपका ए डेल्टा बी, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस यूनियन बी माइनस ए, कहीं पे भी नहीं, ये उल्टा है। ये ई में जो है आपका, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे होगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम इसका भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं हम एक ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और बी सेट ले लेते हैं 4, 5, 6। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आ गया, यानी ए यूनियन बी ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें देखेंगे हमारा इसमें क्या आंसर आता है। सेम ए और बी सेम रखेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी हो जाएगा, दोनों में कोई भी सेम नहीं है तो ए माइनस बी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और डी माइनस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, डी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, बी होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो डी माइनस ए इज बी, और बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन। तो क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी, और ये क्या आया आपका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, तो आपको फाइनली यही आंसर आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो तब इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए सबसेट है बी का, सबसेट मतलब कि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है, तो ए और बी में कॉमन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में है, इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निगेटिंग ऑफ पी टेंड्स टू क्यू, इसका क्या मतलब होता है, इफ पी इज ट्रू क्यू इज ट्रू। ठीक है, पी और इस निशान का मतलब होता है, इफ पी इज ट्रू, अगर पी सही है तो क्यू भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आपको ऐसा देखने में लगेगा कि निगेटिंग ऑफ पी अगर ट्रूथ है तो निगेटिंग ऑफ क्यू भी ट्रूथ होगा, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, और वो कैसे है इसको अगर समझना हो तो आप, इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे मैं आपको एक ट्रुथ टेबल बता देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में आप देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, और अगर नहीं समझे, अगर नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक खास वीडियो बनाना पड़ेगा 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं।
तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। आइए, ये ट्रूथ टेबल है आपको जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। पी है, क्यू है, पी इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ये निगेटिंग ऑफ पी है, निगेटिंग ऑफ क्यू है, ठीक है। निगेटिंग ऑफ पी टेंस टू क्यू है, ठीक है। निगेटिंग ऑफ पी टेंस टू निगेटिंग ऑफ क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्यू है और क्या है, यहाँ पे पी है और ये और का निशान है, ठीक है। ये और का निशान होता है, पी और क्यू है, ठीक है। पी एंड क्यू है, निगेटिंग ऑफ पी एंड निगेटिंग ऑफ क्यू है, निगेटिंग ऑफ पी और निगेटिंग ऑफ क्यू है, निगेटिंग ऑफ पी टेंस टू क्यू है, यानी कि इफ निगेटिंग ऑफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, ठीक है। तो इसका क्या टेबल में आता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और पी और निगेटिंग ऑफ क्यू है, ठीक है। पी एंड निगेटिंग ऑफ क्यू है, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है निगेटिंग, यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये पूछा गया है निगेटिंग ऑफ पी टेंस टू क्यू का क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल आता है फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, एफ टी एफ एफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे एफ टी एफ एफ कहाँ पे आता है, एफ टी एफ एफ इसमें आता है, ठीक है। तो पी एंड निगेटिंग ऑफ क्यू में आता है ये, ठीक है। कैसे आता है अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ये कैसे आता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, कम से कम दो चार पांच लोग कमेंट करेंगे, दस लोग, तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का बना के डाल सकता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू 3.4, बी इज इक्वल टू 4.5 हो, तब ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी ए इंटू बी, एन ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, एन मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे नंबर आते हैं, ए और बी में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा जो सेट होगा वो ऐसा आएगा 4.3 ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा 4.4 ब्रैकेट में, फिर कॉमा करके 5.3 ब्रैकेट में, फिर आएगा 5.4 ब्रैकेट में, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार हैं, तो ये चार एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई इज लेस देन 12, ठीक है। ये कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन 12 है, का हल क्या होगा, हल मतलब कि x और y का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए x और y यहाँ पे अगर हम रखेंगे 5 और 7 तो क्या हो जाएगा 12, जो कि 12 के बराबर है, छोटा नहीं है, ठीक है। 7 और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। x प्लस वाई है तो ये भी 12 के बराबर है, छोटा नहीं है। 6 और 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि 12 से छोटा है। यहाँ पे -5 और 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी 5.6, क्योंकि ये 12 से छोटा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका फैलाव करना है, ठीक है। इसके फैलाव में आखिरी रुकन क्या होगा, तो अगर मेरे पुराने वीडियोस देखें आप तो ये बाइनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है पासवर्ड ट्री के हिसाब से जो कोफिशियंट आते हैं वो आता है 1, 5, 10, 1, 10, 5, 5, 10, 1, ठीक है। तो जितने पावर, अगला क्वेश्चन आपका इसी का है, जितने पावर होते हैं उससे एक जायद क्या होता है, टर्म्स होता है, रुकन जो होते हैं, ठीक है। रुकन कितने होते हैं, जिससे जितना पावर होगा उससे प्लस 1 का, ठीक है। जहाँ पे पावर 5 है तो रुकन कितने होंगे, 6, ठीक है। तो ये आखिरी रुकन पूछ रहा है, यानी कि छठा रुकन, ठीक है। तो ए और बी क्या है, ये ए है और ये बी है, ए है एक्स और बी है 2/x, ठीक है। तो पहले वाले का कोफिशियंट 1 होगा, आखिरी वाले का कोफिशियंट भी 1 होगा, ठीक है। तो हमें कोफिशियंट मिलेगा यहाँ पे 1, और क्या हो जाएगा, x टू द पावर हो जाएगा आपका 5 से स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट में जाके 0 हो जाता है, ठीक है, पावर। और दूसरे वाले का b का यानी 2/x का पावर हो जाएगा 0 से स्टार्ट होता है और उसका 5 पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आखिरी टर्म बनेगा वो ये बन जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं होता है, मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो ये पूरे खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 टू द पावर 5 और x टू द पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 32, और x टू द पावर 5 तो है ही, ठीक है, 323, ये उल्टा है, 32 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा 32/x टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
7 y इज इक्वल टू x स्क्वायर की तरसीम कहलाती है। तरसीम मतलब अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्लासेस हैं जिसको एमयू एंट्रेंस के लिए मैंने तैयारी कराया था, उसे कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब में जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको आप देख के आप सीख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसका तरसीम है, किस यानी ये इक्वेशन जो है ये इसकी तरसीम क्या कहलाती है, यानी कैसा इसका डायग्राम बनेगा इस इक्वेशन का। अतः मुस्तकीम होता है, सीधी लाइन, दायरा होता है, सर्किल, ठीक है, माकाफी होता है, यानी कि माकाफी इनडेफिनिट, ठीक है, यानी कुछ बोल नहीं सकते, और ये होता है बेजी, बेजी मतलब होता है अंडाकार, अंडाकार मतलब ये, ठीक है। तो आपको अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंथ में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसका पावर 2 होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ पेपर पे बनता है, वो बनता है पैराबोला, ठीक है, तो बेसिक मतलब पैराबोला होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस 1 के फैलाव में 6 रकमें हो तो, मतलब 6 रुकन हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर बताया आपको जितना भी पावर होता है उससे प्लस 1 क्या होता है, रुकन होता है, यानी यहाँ पे 6 रुकन है, तो 6 है तो पावर कितना होना चाहिए 5, ठीक है, 6 रुकन है तो पावर क्या होना चाहिए 5। यहाँ पे लेकिन आपसे पावर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है n, ठीक है, तो n प्लस 1 कितना होना चाहिए, n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 रुकन है, ठीक है, आखिरी रुकने यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 है तो 6 रुकने, तो 6 रुकने है तो पावर कितना जाएगा 5, तो x माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका a 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मफरूजी तफाल, ठीक है, मफरूजी तफाल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन, ये कोई ऐसी इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, f इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 2y बाई 3, इसकी कीमत क्या होगी 0.9 पर, 0.9 मतलब कि x is equal to 0 और y is equal to 9, तो हम पुट कर देंगे x के जगह पे 0 और y के जगह पे 9, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 into 9, यानी 2 9 is 18, 18 divided by 3 क्या हो जाएगा 3 6 is 18, क्या आंसर आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आंसर कहाँ है, C है यहाँ पे 6। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो क्या है, x to the power a इन ब्रैकेट b माइनस सी है, ठीक है, और x टू द पावर b c माइनस a है, यहाँ पे x टू द पावर c a c माइनस b है, तो आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हैं हमारे तो उसमें क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन पहले बाद में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे a नहीं रहेगा, ठीक है, a यहाँ पे आ जाएगा और ये c बाहर रहेगा, यानी कि जैसा ये पैटर्न चल रहा है a इंटू b माइनस सी b इंटू c माइनस a, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा a इंटू सॉरी c इंटू a b c, a b हो चुका है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका c इंटू ए माइनस का b, ठीक है, a b c b c a c b, ठीक है, तो ऐसा करके आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, जो भी इनके पावर से वो सब प्लस हो जाएंगे, तो कैसा करके आएगा, पहला आएगा आपका ए बी, ठीक है, माइनस का ए सी, दूसरे वाले में आ जाएगा प्लस का बी सी, माइनस का ए बी, तीसरे वाले में आ जाएगा प्लस का सी ए, माइनस का सी बी, ठीक है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा और सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो, यानी एक्स टू द पावर क्या बचेगा, जीरो। तो किसी भी चीज का पावर जब जीरो होता है तो क्या हो जाता है उसका, किसी भी चीज का पावर जीरो हो जाता है उसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू यानी x टू द पावर 0 इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन रूबरू सॉल्व करना है पूछ के तो हमारे जूम मीटिंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे आप कुछ मामूली सा कुछ पैसा पे करके आप डायरेक्ट जूम पे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, सारे पेपर्स के क्वेश्चन वैसे तो YouTube पे हमने अपलोड कर ही दिया है 15, 16, 17, 18, 19 तक मैथ्स के, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही उसके भी आ जाएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।